देखो बच्चों, आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बता रहे हैं, इसमें क्या होता है और ये कैसे यानी बनाए जाते हैं अगर पेपर में आ जाए हिंदी बाप। सबसे पहले समझो कि इनकी पहचान क्या है। ऐसे टेंस अगर पेपर में आ जाए तो बाकी के अंत में आता है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ऐसे बात आते हैं। ऐसे यानी सेंटेंस आखिर में, वाक्य के आखिर में मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे ये वाक्य के आखिर में, आखिर में। अब बनाने का नियम क्या है? नियम देखो, पहले लाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा विल हैव, फिर आएगा शैल हैव। शैल हैव हमेशा आता है आई और बी के साथ, आई और बी के साथ। बाकी के साथ आएगा विल हैव। समझ में आया? फिर लाना वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने 10 सेंटेंस लिए हैं, यहाँ पर देखो पढ़ के बता रहे हैं। अनुराधा घर पहुंच चुकी होगी। पहुंचने की होती है रीच, क्या होती है रीच, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड। ये लिखिए B3 रीच्ड होगी। अगला है हम फिल्म देख चुके होंगे। देखने की अंग्रेजी होती है वॉच, वॉच मानी, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड। ये लिखिए, इसमें इस्तेमाल होगी। फिर नीता ने खाना खा लिया होगा, तो खाने की इंग्लिश है ईट, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटेड। क्या हो जाएगी? ये इस्तेमाल होगी। फिर देखा है सनम फर्श पर गिर गई होगी। फॉल मानी, FALL फॉल मानी होता है गिरना, ये हो जाएगी फॉलेन, इसमें इस्तेमाल होगी। फिर गणेश पिकनिक पर गया होगा। जाने की अंग्रेजी क्या है? गो, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, तो ये इस्तेमाल होगी तुम्हारे पांचवे वाले में। छठे वाले में देखो, वह सारी आइसक्रीम खा चुकी होगी। खाने की अंग्रेजी ईट, क्या आएगी? ईटेड, ये आएगी ईटेड। अगला, तुम कल पानी पी चुके होगे। ड्रिंक मानी पीना, तो ये हो जाएगी स्प्रिंग ड्रिंक, DRUNK। ठीक है। फिर रोहन अपना काम कर चुका होगा, कर चुका, काम करना फिनिश, तो ये आ जाएगा फिनिश्ड। क्या आएगा? फिनिश्ड। स्कूल आ चुका होगा, कम के कम, कम हो जाएगी, आने की अंग्रेजी क्या? फिर आगे राम कार चला चुका होगा। ड्राइव मानी चलाना, तो ड्राइव इन हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल इस सारे 10 वाक्यों में की जाएंगी, इनको याद करना पड़ेगा। तो अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। पहला वाला, अनुराधा घर पहुंच चुकी होगी, तो अनुराधा क्या हो गई? सब्जेक्ट। तो देखो पहले अनुराधा ले आओ, अनुराधा। बिल है, क्या आएगा? बिल है। पहुंच चुकी होगी रीच्ड। कहां पहुंच चुकी हूँ? घर, रीच्ड होम। सबके सबके समझ में आ गया? और एट लगा दोगे तो और सही जाएगा, एट सही। घर पर, समझ में आ गया? हाँ। अगला, हम फिल्म देख चुके होंगे। हम की अंग्रेजी होती है वी, इसके साथ आएगा शैल है, वी शैल है
बाज डॉल्फिन फिल्म या मूवी भी शैल है बाज द फिल्म या मूवी कुछ भी लिख सकते हो। अगला रीता ने खाना खा लिया होगा तो पहले लाओगे सब्जेक्ट रीता क्या लाओगे सब्जेक्ट ले आओ रीता रीता के साथ विलहम आएगा या शैल है विलहम विलहम खाने की अंग्रेजी ईट तो ये क्या हो जाएगा यार ईटेड रीता विलहम ईटेड द फूड क्या खा चुका होगी खाने की होती है फूड तो ये बनेगा रीता ने खाना खा लिया होगा रीता विलहम ईटेड द फूड। अगला सनम फर्श पर गिर गई होगी सनम की अंग्रेजी एम्बुल क्या हो जाएगा सनम सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा देख रहे हैं सब अच्छा तो सनम ले आओ क्या आएगा बिलहर या शैल है बिलहर हाँ गिरने की है फॉल फॉलिंग हो जाएगी सनम विल हैव फॉलन कहां पर गिरी है ऑन द फ्लोर फर्श फर्श की इंग्लिश क्या होती है फ्लोर ऑन द फ्लोर समझ में आ गया yes, सब क्या आ रहा है yes, अगला गणेश पिक्चर पिकनिक पर गया होगा तो गणेश क्या हो गया सब्जेक्ट गणेश विलहम आएगा या शैल है हाँ विलहम जाने की अंग्रेजी किया गो गॉन हो जाएगा विलहम गॉन कहाँ गया ऑन पिकनिक किस पे गया है पिकनिक पर गया है वो ऑन द या टू द पिकनिक अच्छा वह सारी आइसक्रीम खा चुका होगा चुकी होगी लड़की है ये वह शी आएगा शी विल हैव खाने की ईटेड विल हैव ईटेड ऑल आइसक्रीम सारी नहीं आई समझ में ऑल आइसक्रीम सारी आइसक्रीम आइसक्रीम हो जाएगा यहाँ पर ज्यादा है। अगला तुम कल पानी पी चुके होगे तुम यू यू के साथ क्या आएगा यू विल हैव ड्रिंक द वाटर कल की अंग्रेजी आती है फ्यूचर में टुमारो क्या आती है रोहन अपना काम कर चुका होगा रोहन क्या हो गया तो रोहन ले आओ रोहन विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क अपना काम अपना ये लिखना अपना अपना को होगा हिज वह स्कूल आ चुका होगा
मैं की अंग्रेजी ही विल हैव कम टू स्कूल। राम कार चला रहा होगा। राम विल हैव ड्राइविंग द कार। सारे बच्चों को समझ में आ गए? यस सर। थैंक यू वेरी मच।